और ये मक्खियाँ देखो भाई साहब। और जैसे ये है ना, ये अच्छा हो गया। तो सुबह सुबह आ गया यार जंगलों में, मजाक कर रहा हूँ, जंगल में नहीं हूँ, खेतों में आया हूँ। और खेतों में मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत देखने के लिए आते हैं, अपने को थोड़ा सा और लैंड चाहिए। दरअसल जो जहाँ पर हमने ये हल्दी की शोइंग करी थी ना, वो लैंड कम पड़ गई है बेसिकली ना, तो अब थोड़ा बहुत और भी लैंड चाहिए होगी अपने को। तो मैंने सोचा यार जब नीचे आ ही रखे हैं तो थोड़ा बहुत अपने इस एरिया में भी घूम कर चले जाते, देख कर चले जाते क्या कंडीशन है अभी के टाइम पे। और कंडीशन तो अच्छी है यार, बढ़िया है, अच्छा लग रहा पूरा का पूरा एरिया देख के। और अब मैं सोच रहा हूँ ना, जो थोड़ा बहुत बचा है हमारे पास में, उसके लिए इस लैंड को बनवाता हूँ। अपने पास में दरअसल ये वाली लैंड भी है, लेकिन इस वाली लैंड पे ना दरअसल पानी कम है। इस तरफ में थोड़ा बहुत नमी है, इस तरफ में नहीं है, क्योंकि इस तरफ में पूरी चट्टाने हैं ना, और मुश्किल ही है, मिट्टी भी कम है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस तरफ में दिक्कत होगी। तो अपना इधर ही फोकस करते हैं इस तरफ में। दरअसल आजकल हो क्या रहा है ना कि आजकल रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। व्लॉग ना आने का रीज़न ये है कि यार टाइम ही नहीं लग पा रहा है, इवन टाइम मैनेज करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। लेकिन आज से यह है कि थोड़ा बहुत अपने पास में काम कम हो गया। कम होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो ग्राउंड पे उतर चुके हैं बेसिकली, तो उसकी वजह से अपने पास में थोड़ा सा काम मतलब कम हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो पहले मेरा प्लान ये था ना कि मैं दरअसल इस पूरी लैंड को करने वाला था, और मुझे लगता है यार थोड़ा सा ही अब बचा हुआ नीचे, अगर यहाँ नीचे तक हो जाता है, नीचे वाला एरिया बन सकता है वैसे, लेकिन ये एरिया काफ़ी नहीं है दरअसल अपने काम के लिए ना, ये कम लग रहा मुझे एरिया। तो यहाँ से देखोगे सामने वाली वैली, इस पूरी वैली में ना हल्दी बो रखी है दरअसल। यहाँ पर तो खेतों को देख लिया है, और खेत बढ़िया भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन समस्या ये है ना कि ये जो खेत है यहाँ पर बीच में, तीन खेत हैं, काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं, लेकिन उनमें पानी भरता है यार, समस्या ये हो गई। फिर इससे ऊपर में जो खेत है ना वो सही है, और फिर नीचे तो थोड़ा बहुत दिखाई दिया, वैसे मैं ये सोच रहा था अगर इसी साइड के होते तो बाढ़ करने में भी आसानी थी, और साथ ही साथ जो आगे चल के स्प्रिंकल लगते उनके लिए भी आसानी थी यार। नीचे से ऊपर आते वक्त ना सांस फूल गई यार, बहुत तेज। और ये है यहाँ की छन, छनों में ना मूल घसे यानी कि गोबर को सुखाया जा रहा है, गोबर को पाथा गया यहाँ पर ना, और कई छनों पर अंदर वाले जो रूम है उनमें भी पाथा गया है, देख सकते हैं क्या सही लग रहा है यार। और ये भाकड़ी गांव, धूप से ना हालत ख़राब हो गई है भाई, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। पौधे लगा रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रखा है यहाँ पे गड्ढों के बीच में, तो इस एरिया में कुछ पौधे लगा दिए। सुबह मैंने तराई करी थी, सुबह 5 बजे से उठ गया था, 5 बजे से तराई करा था और 10 बजे तक किया, और 11 बजने वाली है, 1 घंटे मुझे पौधे लगाते लगाते हो गया। आज लेबर पूरी छुट्टी भी है ना, इसलिए तो मैंने कहा यार मैं खुद ही करता हूँ, इतना टाइम नहीं कर सकता, मतलब कि कल करो ये सब चीज़ें, आज जितना हो सकता है उतना मैं खुद कर लेता हूँ। देखो क्या होता है। तो अपने पास में रोज़ मेरे कुछ इसमें पौधे हैं, कुछ मैंने अभी नीचे रखे हैं, और आज रोज़मेरी का तीसरा दिन है, तीसरे परसों आया था, तो परसों एक हो गया, कल दो, आज तीसरा दिन हो गया। आज फटाफट से इनको कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद में फिर कुछ और करते हैं यार, कुछ और का मतलब इनको पानी देता हूँ फिर फटाफट। सुबह के टाइम पर सूरज ऐसा लग रहा था ना, सूरज कह रहा हूँ, आसमान ऐसा लग रहा था कि बारिश होने के चांसेस है, लेकिन अभी देखो कुछ भी बादल नहीं है, बस कहीं तक नहीं है दूर दूर तक, भाई साहब बहुत तेज़ धूप लग रही है। दिन के टाइम पर पौधे लगाते लगाते हालत ख़राब हो गई लिटरली, उसके बाद में पानी डाला, और कुछ छाले देखो कैसे फूट गए, ये भी लग गया हाथ पे एक ना, दरअसल लोग कस रहा था ना, पेचकस घुस गया हाथ में भाई साहब, और नाखून गड्ढे खोदते होगा ना, नाखून पत्थर के पत्थर नाखून के अंदर चले गया, पेन हो रहा बहुत ही तेज। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, अभी दिन का टाइम है, 12:30 हो गया, सुबह 5 बजे से लगा था, 12:30 हो गया, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तब बाद में शाम के टाइम पर काम करेंगे। तो अभी जस्ट नल में गया था, नल में थोड़ा पानी ऊपर किया है, पानी खोला है, जैसे कि ऊपर वाली टैंकी भर जाए ना। अभी ऐसा करते हैं थोड़ा सा घर चलते हैं, नहाते धोते हैं, और उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करते हैं पहले यार। थोड़ा सा रोड पे रखा था शाम के टाइम पे घूमने के लिए, तो थोड़ा मैंने सोचा यार
वॉक करके आते हैं। दरअसल खाना ज़्यादा खा दिया ना, तो उसको पचाने के लिए थोड़ा सा वॉक ज़रूरी है। वैसे अभी के टाइम पे 3 बज रहे हैं, खाना हमने 1-1.5 बजे खा दिया था। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा वॉक करते हैं, क्योंकि आराम से यहाँ पर शांति भी है ना, आराम से पेड़ की छाव के नीचे रखो और वहाँ पर जाके थोड़ा सा रेस्ट करो। बिना पानी के यार कैसी होती लैंड, कुछ नहीं दिखता है बिना पानी के। खैर पहाड़ों में इतना तो है कि अब बरसात का सीज़न भी आने वाला है, उसके साथ में 15 जून के बाद में कह रहे हैं कि बारिश का मौसम भी है, विच इज़ अ गुड थिंग राइट। और सुबह तो ऐसा हो रखा था, सुबह बादल थे और 9 बजे तक तो ऐसे ही हो रखा था मौसम, मुझे लगा बारिश होगी मतलब, लेकिन हुआ नहीं ना। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश हो जाती तो अपना काफ़ी सारे काम ना अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होने का मतलब है बारिश की वजह से रुके हैं। पानी देते देते भाई साहब मतलब हाथों के छिलके उतर गए, ये देखो हाथों में मतलब कैसे छाले हो रखे हैं यार। और हाथ ना मिट्टी में इस तरीके से हो गए कि पीछे से यहाँ से उतरना शुरू हो गए, पेन हो रहा बहुत ही तेज़ हाथों पे। और क्या करें यार, काम तो करना है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो मेरे पास में है और मैं लोगों को मोटिवेट भी कर रहा हूँ, लेकिन यार लोगों का मोटिवेट ना शाम के टाइम पर जागता है, जिस टाइम पर मतलब बात करो उसी टाइम पर जगा होता है, अगले दिन सोने के बाद में वो मोटिवेशन भी सो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि मोटिवेशन कोई काम नहीं करने वाला, उससे अच्छा है कि पहले खुद से काम करके दिखाओ, मॉडल बनाओ और उसके बाद लोग उस मॉडल को फॉलो करेंगे। तो अभी उसी दिशा में अग्रसर है, मतलब उसी दिशा में चल रहे हैं और देखते हैं कब तक अपना मॉडल बन पाता है। मॉडल वैसे बन ही गया, अब थोड़ा सा वेट ही करना है और वेट करने के बाद में जो भी होगा अपना रिजल्ट जितना भी आएगा उसके हिसाब से आगे मतलब डिसाइड करेंगे कि कितने बड़े लार्ज स्केल पर करना है हमें प्रोजेक्ट ना। तो अभी तो प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है और अब वेट एंड वॉच करेंगे, अब देखते हैं। सुबह सुबह ना खेत में आया हूँ, सुबह सुबह नहीं 5 बजे आ गया था, अभी तो खैर 6-6:30 हो गए, धूप भी आ गई हल्की फुल्की। तो सुबह से पानी दे रहा हूँ, वहाँ उस कोने से देना शुरू किया, फिर अब जाके मतलब ये लगाओ ना कि आधे का आधा खेत भी नहीं दिया अभी मैंने। अभी ये वाला कोना बहुत बचा है अभी, और वहाँ बीच से मतलब बीच से उधर वाला कोना भी बचा अभी, तो लगे हैं पानी देने पे। और थोड़ा थोड़ा मैंने पानी रोकने के लिए गड्ढे कर रखे हैं, गड्ढे मतलब गड्ढे नहीं हैं, दरअसल मिट्टी इकट्ठा कर रखी है ना गड्ढों के चारों तरफ, जिससे कि इसमें नमी बनी रहे, पानी अटक जाए अच्छे से। बहुत बुरे हाल हो गए भाई, बहुत बुरे हाल। मेरे तो पाँव के उंगलियों के बीच में ना वो जमती है ना, क्या होता है पानी से जो दिक्कत होती है, हम कादे कहते हैं, वो भी हो गई है और दोनों पाँव की 3-4 उंगलियों के बीच में हो गई है भाई साहब, क्या बोले मतलब। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ ना कि एक बार घर होकर आता हूँ आज। नीचे मैंने कुछ लेडीज़ को काम पे भेजा है, ऐसा करता हूँ शाम को आके देखता हूँ ना, आज घर जाता हूँ और फिर शाम को इधर को आ जाऊँगा, फिर शाम को देंगे यहाँ पे पानी, क्योंकि कब से घर भी नहीं गया हूँ, बहुत दिन हो गए हैं घर गए हुए, और सोच रहा हूँ एक बार होकर आता हूँ यार। कपड़े भी नहीं है ना यहाँ पे, मतलब एक निक्कर ला रखी है, एक सलवार ला रखा है, एक पैंट ला रखी है, एक को धोता हूँ दूसरे को पहनता हूँ, ऐसे करके चल रहा है आजकल। तो चलो आप भी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये वाला हाथ है ना, जो हाथ ऐसा हो रखा भाई जैसे अकड़ गया हो ना पाइप पकड़ने की, एक ही पोजीशन में अगर पाइप पकड़ो तो हाथ इस तरीके से हो जा रहा है जैसे अकड़ गया हो, और पेन हो रहा है यार बहुत ही तेज। और ये है भाकड़ी। दरअसल सुबह सुबह इसलिए पानी देना शुरू किया था ना कि पौधों पे एकदम से धूप नहीं पड़ती और पानी को अच्छे से सोख लेते हैं ना, तब तक उन पर जान आ जाती है, यानी कि एनर्जी उनकी बूस्ट हो जाती है धूप से फाइट करने के लिए। और जैसे ये है ना, ये अच्छा हो गया, जैसे इन पौधों पे ना जान आ गई है दरअसल, जो इस एरिया में लगा रखे हैं। हाँ मतलब 10-15-20 पौधे ऐसे होंगे जो मतलब मरने की कगार पे हैं, लेकिन 15-20 का जो रेशियो है ना वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जितने भी एरिया में अपने डैंडेलियन लगा रखा था मैंने, वो पूरा का पूरा हो गया भाई। देखो ये नई पत्तियाँ आ गई है डैंडेलियन पे, और ये मक्खियाँ देखो भाई साहब पीछा नहीं छोड़ रही हैं बस। और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से डैंडेलियन हो चुके हैं। अब ये है ना, अब डैंडेलियन मरेगा नहीं, डैंडेलियन होता रहेगा, और बारिश हो जाती है तो भाई ये ऐसा उठेगा ना कि बिल्कुल हरा भरा दिखेगा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो अभी ऐसा कर रहा हूँ, अभी यार एक बार
ब्रेकफास्ट करने चलता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर निकलने की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी ऐसा करते हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी।